तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। अदम गोरवी की एलाइने आज भी सरकार के कामकाज को बखूबी आईना दिखा रहे हैं। देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार तमाम बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वह दावे सिर्फ दावे ही रह जाते हैं। हकीकत में तो कुछ और ही होता है। देश और प्रदेश में तेजी से धुआंधार विकास तो हो रहा है, भले ही वो कागजों में ही सही, लेकिन जो हकीकत में विकास हो रहा है वो कैसा हो रहा है हर कोई जानता है। सरकार को चूना लगाने में हर कोई आगे है, चाहे वह अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, या फिर बड़े बड़े सरकारी कामों का ठेका लेने वाले ठेकेदार, या फिर कोई कंपनियां। आए दिन उनके कामों की पोल खुलती रहती है। काम तो हो जाता है, विकास भी हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब इसकी हकीकत सामने आती है तब इसका असली खेल समझ में आता है। अब यही तस्वीर आप देख लीजिए। यह तस्वीर है अयोध्या के रेलवे स्टेशन के इमारत की। इमारत तो बड़ी खूबसूरत बनी है, लेकिन इस इमारत को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। इसका हाल यह हुआ कि पहली ही बारिश में अयोध्या रेलवे स्टेशन की बाउंड्री ढह गई, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यह भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि यह बाउंड्री पहली ही बारिश झेल नहीं पाई और लगभग 20 मीटर की यह बाउंड्री अयोध्या रेलवे स्टेशन पर जो बनी है, इसका यह हाल है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो आप सोचिए इस इमारत को बनाने में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा और कितना पैसा खाया गया होगा। इससे एक बात तो साफ होती है कि अधिकारियों में योगी सरकार का कोई डर अब रह नहीं गया है। भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इस तरह से ना जाने कितनी इमारतों को घटिया सामग्री से बनाया गया होगा। खराब गुणवत्ता के कारण ही ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी कितना समय ही हुआ है इसे बने हुए। इसी 30 नवंबर 2023 को, यानी कि 6 महीना पहले, जब प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और पहली बार ही हुई बारिश जब इसे नहीं झेल पाई और इसकी पोल खुल गई है, तो अब लोग इस पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सपा नेता आईपी सिंह ने लिखा कि अयोध्या को बेरहमी से लूटा गया है। बीजेपी ने अयोध्या में रेलवे स्टेशन की ढही बाउंड्री के उद्घाटन के बाद पहला प्री मानसून भी नहीं झेल पाई। अयोध्या में बने नए रेलवे स्टेशन की बाउंड्री बाल लगभग 20 मीटर ढही है। लगभग 6 महीना पूर्व प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। भगवान उसका फल इन ढोंगी भ्रष्टाचारी भाजपाइयों को सदियों तक देगा। वही धर्मेंद्र त्रिपाठी नाम के यूजर लिखते हैं कि अयोध्या की जनता ने आंख खोल दी, मगर बेशरम है ये। अयोध्या के अफसरों की जांच हो जाए ईमानदारी से तो सारा पैसा मिल जाएगा, और राम के नाम पर खूब लूटा है इन लोगों ने अयोध्या को। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।